press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कि बताओ, इफ ए ऑब्जेक्ट, इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल 2 किलोमीटर इन ईस्ट एंड देन इट मूव्स अलोंग North direction. Find total distance and displacement traveled by object. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोमीटर चलता है वो ईस्ट में, ठीक है, और 1 किलोमीटर चलता है वो नॉर्थ में, तो बता देता हूँ डायरेक्शन जिसको नहीं पता, ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर ऐसे जा रहा है तो ईस्ट, इधर जा रहा है तो वेस्ट, ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ और पीछे जा रहा है तो साउथ, तो 2 किलोमीटर गया वो ईस्ट में, ये लगा लिया हमने, फिर बाद में जा रहा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ, तो ये गया कि कितना नॉर्थ डायरेक्शन में बोल दिया मैंने 1 किलोमीटर, ठीक है 1 किलोमीटर। अब हमें निकालनी है इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है, तो याद रखें डिस्टेंस कितनी होगी 2 और 1, कितना हो गया 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट सीधे निकल गया क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन में देखनी नहीं होती। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट रास्ता, जहाँ इनिशियल पॉइंट और जहाँ उसका फाइनल पॉइंट हो वहाँ उसको मिला देते हैं, तो जो ये रास्ता हुआ ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें ये निकालनी है ये वाली दूरी कितनी होगी। तो हमने पढ़ा हुआ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लगाना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 है, बेस का स्क्वायर है मतलब 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 4 और h इज इक्वल टू √5, तो इसका मतलब ये कितना हुआ √5, और हमारी डिस्प्लेसमेंट वो कितनी आई √5। समझ में, डिस्टेंस सीधी निकल गई क्योंकि इसमें डायरेक्शन देखनी नहीं होती, तो 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर सीधा कर लिया, सीधा डायरेक्ट आ गया। और अगर हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कैसे निकालते हैं, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उन दोनों को मैच करा देते हैं, तो जहाँ वो मिलता है उससे हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको।